दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ने अपनी नई पनिशमेंट जारी कर दी है। वो पनिशमेंट क्या है, आज की वीडियो आपको यही बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। टेक एंड गेम्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल आइकन और पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा YouTube क्रिएटर ब्लॉग पेज में चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर में उस पेज को खोल चुका हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि YouTube ने ये नए जो रूल लागू किए हैं वो किस वजह से किए हैं। दोस्तों, वो इस वजह से किया है क्योंकि YouTube को पिछले साल बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आपकी वीडियोस पर ऐड आती है तो जो एडवर्टाइजर कंपनी है वो आपको ऐड प्रोवाइड कराती है। बट पिछले साल जो एडवर्टाइजर कंपनी है उनको बहुत नुकसान हुआ है, जो फालतू के यूट्यूबर है उनकी वीडियोज़ पर ऐड लगा के। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से दो सबसे बड़े नुकसान हुए। पहला तो ये कि YouTube को नुकसान हुआ, दूसरा ये जो बेचारे जेन्युइन यूट्यूबर है जो सच में काम कर रहे हैं YouTube के लिए, और उनकी अर्निंग पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो YouTube ने जो अपने नए नियम लागू कर दिए हैं वो 9 फरवरी 2018 से लागू हो चुका है, और दोस्तों आज तारीख हो रही 11, यानी ये नियम लागू हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आपकी वीडियोस YouTube को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाती है तो YouTube आपके चैनल को डिलीट मार सकता है, टर्मिनेट कर सकता है बिना आपको कोई नोटिस भेजे। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपके YouTube चैनल पर कोई कम्युनिटी स्ट्राइक आती है या आपको कोई भी एक स्ट्राइक आती है तो आपको एक जीमेल भेजा जाता है, आपको बताया जाता है कि किस वजह से आपको स्ट्राइक दी जा रही है। बट इस नए रूल की वजह से आपको क्या होगा कि आपके चैनल को डिलीट मार दिया जाएगा बिना आपको कोई नोटिस भेजे। अब बात करते हैं दूसरा। गाइज, जो दूसरा टॉपिक ये है कि अगर आपकी वीडियोस कोई बंदा देखता है, अगर उसको लगता है कि ये वीडियोस फेक है तो वो क्या करेगा, आपकी वीडियो पर फ्लैग मार देगा। फ्लैग करने के बाद क्या होगा, YouTube आपकी वीडियो को अच्छे से देखेगा। उसके बाद अगर YouTube को लगता है कि आपकी वीडियोस YouTube को नुकसान पहुंचा रही है तो YouTube क्या करेगा, आपके मोनेटाइजेशन को हमेशा के लिए सस्पेंड कर देगा या उसे डिसेबल कर देगा, जिस वजह से आप YouTube पे काम तो करोगे बट आपका जो अर्निंग है वो नहीं आएगी, जिससे आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जो है वीडियो रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो वीडियोस आपकी जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आपकी वीडियो पे वो आती हैं सजेस्टेड लिस्ट से और रिकमेंडेशन वीडियोस से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके साइड में जो नीचे वीडियोस चल रही होती है वो सजेस्टेड वीडियोस होती है और रिकमेंडेशन वीडियोस होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी से आते हैं। और अगर आपकी वीडियोस पे कोई फ्लैग या YouTube को पता चलता है कि आपकी वीडियो नुकसान पहुंचा रही है तो YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियोस को ना ही रिकमेंडेशन में दिखाएगा ना ही सजेस्टेड लिस्ट में दिखाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और प्लस बहुत ज़्यादा वॉच टाइम है, तो भी अगर कोई बंदा आपकी वीडियो को सर्च करता है या आपके चैनल को सर्च करता है तो YouTube आपके चैनल को नहीं दिखाएगा। एक तरह से मान के चलिए कि आप YouTube पे होगे बट YouTube आपको कहीं भी या किसी को भी नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, ये 3 नियम है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे ही रखा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी बहुत सी स्ट्राइक्स आई हैं, ऐसी बहुत सी नए नए रूल आए हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, पहला रूल तो दोस्तों ये आया था कि आपको कम्युनिटी स्ट्राइक भी मिल सकती है, और दूसरा ये था कि आपको फेक स्ट्राइक भी मिली हुई है बहुत से लोगों को। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत से यूट्यूबरों के चैनल डिलीट मार दिए गए थे, तो उनको बिना नोटिस भेजे, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी वीडियोस YouTube को नुकसान पहुंचा रही थी। क्योंकि आपको यही पता होगा दोस्तों कि पिछले साल अपना कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने ख़त्म कर दिया था, बट YouTube ने उन्होंने किसी तरह से मना के दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, बट अब YouTube बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे यूट्यूबर हो, अगर आप अपने वीडियोस को जेन्युइन तरीके से बनाते हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नकली वीडियोस बनाते हो, फेक वीडियोस बनाते हो, तो आपको जरूर डरना चाहिए क्योंकि YouTube बाबा आपको छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये नया नियम कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल। नमस्कार, बाय बाय, सलामत।